पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शांति। उन्नति एक ऐसा शब्द जिसका परिचय हमारे साथ जन्म लेने से ही हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, माता पिता देखते हैं कि बच्चा कैसे कैसे शारीरिक अवस्था में विकास कर रहा है। फिर पड़ोसी का बच्चा दिखता है, लगता है उसकी सेहत हमारे बच्चे से ज़्यादा अच्छी है। प्रश्न बन जाता है बच्चे की शारीरिक उन्नति पर। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जब बोलने की बारी आई, पड़ोसी के बच्चे को फिर से देखा, अरे ये तो मेरे बच्चे से ज़्यादा बोल सकता है। फिर से प्रश्न उठा बच्चे की उन्नति पर। धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाने लगा और देखा कि दूसरे बच्चे जो हैं ज़्यादा होशियार हैं, तो मेरे बच्चे की उन्नति का क्या होगा। यही यात्रा चलती रहती है। उस समय में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, और जब नौकरी पेशे के लिए किसी कंपनी में काम करना शुरू करता है, अब वहाँ भी उन्नति चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द। पहले जॉब लेने के लिए प्रयास, फिर तरक्की के लिए प्रयास। यहाँ तक ही नहीं, आज बच्चा बड़ा हो गया, अब एक से दो बनने की उन्नति, शादी हो जाए, दो से तीन बनने की उन्नति। यही उन्नति फिर आगे चलती जा रही है। उन्नति अर्थात खुश होने का माध्यम। अगर उन्नति नहीं तो यानी खुशी नहीं। पर अगर वास्तव में यह सांसारिक उन्नति हमारी उन्नति है, तो क्यों नहीं यह उन्नति हमारे साथ हमारे मृत्यु के बाद भी रहती। क्यों यह मृत्यु होने पर यह उन्नति धरी की धरी रह जाती है। क्या वास्तव में यही अनुभव करने के लिए आए हैं हम? क्या वास्तव में यही पाना चाहते हैं हम? अगर पाया तो संतुष्टि क्यों नहीं आई, खुशी क्यों नहीं आई? इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सांसारिक उन्नतियों का अनुभव ना करें। करें, पर किस अवस्था से उनका अनुभव करते हैं, किस प्रकार से उस अनुभव को लेते हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। आज की कहानी जो हमें उन्नति का मार्ग बतलाती है कि अगर आप अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से उसको अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं और कैसे उस उन्नति से उस परम संतुष्टि को अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी है सुर असुर और मनुष्यों की। एक समय ऐसा था कि जब यह तीनों ही जातियां आपस में मैत्री भाव रखती थी, दूसरों के लिए दिल था, तो तीनों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि सृष्टि के कल्याण के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान लेना चाहिए। इसी इच्छा को अपने साथ रखते हुए वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास।
बड़ी ही विनम्रता से ब्रह्मा जी को कहा कि हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए, हम खुद को जानना चाहते हैं, क्योंकि खुद को जानेंगे तो उन्नति होगी, उन्नति होगी तो सृष्टि का भी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने बड़े ही प्यार से उन तीनों को देखा और कहा कि कुछ देर ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने आप को स्थिर बनाओ। फिर क्या था, सुर असुर और मनुष्य जो इनका नेतृत्व करने वाले थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। जब ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे उनके आश्रम में रहने लगे तो वृत्तियां शांत होने लगी, सब कुछ थमने लगा। एक समय आया जब ब्रह्मा जी ने सुरों को यानी कि देवों को देखा। जब उन्होंने देवों को देखा उनके चेहरे पर जो एक शांति थी वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी ने देखी और यह संकेत पाया कि अब यह तैयार है ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए। सुर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनके निकट नीचे बैठे और ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का संदेश पूछा। ब्रह्मा जी अपनी आंखें एक क्षण के लिए खोलते हैं और कहते हैं द, द शब्द बोलकर चुप कर जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। अब जब देवों ने यह द शब्द सुना तो मन ही मन इस द शब्द के लिए सोचने लगे, ब्रह्मज्ञान और यह शब्द द क्या अर्थ है इसका, क्या वाकई में इसके अंदर कोई ब्रह्मज्ञान है। उठकर चले जाते हैं, आपस में बात करने लगते हैं कि यह द क्या है, क्या कहना चाहता है यह द। फिर धीरे धीरे ध्यानग्रस्त होने लगे, आंखें बंद करी, सांसों के ऊपर ध्यान लगाने लगे और अंदर से आवाज आई कि क्योंकि हम सुर हैं, हमारे पास स्वर्ग के सारे ऐशो आराम हैं, माता अदिति से जन्म लिया है और विरासत में बहुत सारे अच्छे संस्कार मिले हैं, दया भी रखते हैं, दान भी करते हैं और अमृतत्व भी पा चुके हैं, पर इस सब को पाने के बावजूद भी हम अपने भोग विलास में जुड़े रहते हैं, यानी कि स्वर्ग के अंदर हर समय अपने भोग और विकारों को शांत करने का कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो लग रहा है कि जो ब्रह्मा जी हमें बताना चाहते हैं वो है द से दमन। दमन अर्थात इंद्रियों का दमन करना, अपनी इंद्रियों को भोग विलास से बहने ना देना, बल्कि इंद्रियों के आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना लेना और उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए सदा तत्पर ना रहना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी हमें बताना चाहते हैं द से दमन। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें मेरे द शब्द का मतलब समझ आया, समझ आया कि जो मैं कहना चाहता हूं। सुरों ने कहा, जी गुरुवर, आप कहना चाहते हैं द से दमन, यानी कि हम अपनी इंद्रियों से ऊपर उठें और जो हमें मिला है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर जीवन की उन्नति को प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही, तुम सही सोच रहे हो, अब जाओ जाकर दमन का पालन करो। इस प्रकार से सुर वहां से चले गए और दमन का
पूरी निष्ठा से पालन करने लगे। गुरु का संदेश उन्होंने अपने कण कण में बसाना शुरू किया। फिर एक समय आया जब मनुष्य भी स्थिर हो चुका था, शांत हो चुका था। आश्रम में रहने से उसकी जो सारी इंद्रियां थी धीरे धीरे एक शांति के भाव को अनुभव करने लगी थी। अब ब्रह्मा जी ने जब उसके मुख पर भी एक अलग तरह की शांति देखी तो ब्रह्मा जी ने कहा, आज तुम्हें भी ब्रह्म ज्ञान का संदेश दूंगा। आंखें खोलकर एक शब्द कहा और कहा द, इतना कहकर आंखें फिर से बंद कर ली। मनुष्यों का नेतृत्व करने वाले जो थे उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से इस शब्द को लिया, पर मन ही मन इसके प्रति सोचते रहे, ये द क्या है, क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी। फिर आपस में बैठे, ध्यान ग्रस्त हुए, शांत करने लगे अपने मन को और अंदर से आवाज आई कि हम मनुष्य जाति सदा ही सांसारिक विलासों में जुड़े रहते हैं। ये तेरा, ये मेरा, लेन देन, आंकलन, लॉजिक में ही जुड़े रहते हैं। तो हो ना हो ब्रह्मा जी हमें इस द के माध्यम से बताना चाहते हैं दान का मार्ग, क्योंकि हमारी कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो लेन देन है, एक हाथ ले एक हाथ दे। पर दान क्या करता है, हमें निस्वार्थ होना सिखाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी हमें इस द के माध्यम से दान का संदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे द का मतलब समझ आया। मनुष्यों के नेताओं ने कहा, जी हाँ, आप हमें दान का मार्ग बताना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही, अब जाओ, अपने लोक में जाओ और दान को पूरी निष्ठा से जियो, उसका अभ्यास करो। अंत में आई असुरों की बारी। एक समय आया जब असुर भी उस ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार थे। ब्रह्मा जी ने उनको अपने निकट नीचे बिठाया और आंखें खोलकर एक शब्द बोला और कहा द। द कहकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब असुरों ने इस शब्द को सुना, वो भी सुरों और मनुष्यों की तरह सोचने लगे, क्या है ये द, क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी, क्या ब्रह्म ज्ञान छुपा है इस शब्द में। धीरे धीरे जब ध्यान की अवस्था में बैठने लगे, भीतर से आवाज उठी कि हम असुर जाति हमेशा ही क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा पर लगे रहते हैं। किसी को मार काट करने पर कभी भी हिचकते नहीं हैं, किसी से छीनने झपटने में संकोच नहीं करते हैं। तो हो ना हो भगवान हमें इस द के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम दया करें। जब ऐसा शब्द भीतर से उठा, फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे द का अर्थ समझ आया। असुरों ने कहा, जी हाँ, आप कहना चाहते हैं कि हम दया करना सीखें, क्योंकि हम वैर, निंदा, कपट, ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध जैसी आदतों से बंधे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही, अब जाओ, अपने लोक में जाओ और जाकर द से दया का पालन करना सीखो। तो दोस्तों, कहानी तो ये यहाँ खत्म हो जाती है, जहाँ ब्रह्मा जी ने तीन द बताए। वो तीन द क्या हैं, दमन, दान और दया। और तीन प्रकार के लोग, सुर, मनुष्य और असुर।
क्या हैं ये तीन प्रकार के लोग? वास्तव में ये तीन प्रकार के लोग बाहर नहीं, ये तीनों ही हमारे रस हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारा सात्विक रस किसका प्रधान है? हमारे भीतर के सुर का प्रधान है, यानी कि जिसको विरासत में अच्छी चीज़ें मिली, जब हम अच्छे कर्म करना जानते हैं, हम दया जानते हैं लोगों पर करना, हम दान करते हैं, हम विनम्रता रखते हैं, थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं, पर इस सब को करते हुए भी, सत्व कर्म करते हुए भी हम अपने भोग विलास से ऊपर नहीं उठ पाते। तो अगर हम अपने भोग विलास से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर हम अपनी इंद्रियों के वश से बाहर आना चाहते हैं, तो वास्तव में हमारी उन्नति का मार्ग है दमन, यानी कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हम जानेंगे कि इंद्रियां प्रधान नहीं है, इंद्रियों का प्रधान है मन और मन का प्रधान है आत्मा। इंद्रियां अपने आप में कोई भी व्यक्तित्व नहीं रखती, वास्तव में वो एक चांद की तरह है जो सूर्य, आत्मा रूपी सूर्य से प्रकाश लेता है। और फिर हमारा राजसिक प्रधान गुण वो क्या है? मनुष्य गुण, जहाँ हम लेन देन, व्यापार, लॉजिक, रीजनिंग, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा क्या है, तेरा क्या है, मेरे पास कितना आना चाहिए, तेरे पास कितना होना चाहिए, जहाँ हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मतलब जुड़ा है, जहाँ हम सोचते हैं आज मैं तेरे लिए अगर ये काम करूँ तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा इसमें क्या लाभ होगा। तो जब व्यक्ति इन सारी चीज़ों में प्रधान रहता है तो उसको वास्तव में निस्वार्थ काम सीखना चाहिए, और वो निस्वार्थ तब ही बनता है जब वो अपने जीवन में कुछ हिस्सा निकालता है दान करने के लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दान इस प्रकार से दो कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। क्या मतलब है इसका? यानी कि इतने निस्वार्थ बनो कि उससे कोई भी वाहवाही लूटना ना चाहो, बस गुप्त दान दिया और छोड़ दिया। क्योंकि अगर सृष्टि से आपको कुछ मिला है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सृष्टि का भी कल्याण करें, जो भी आपको मिला है। और सृष्टि का कल्याण यानी कि सृष्टि पर रहने वाले जो जीव जंतु है, किसी भी माध्यम से दान के रूप में उनका कल्याण कर पाना। दान किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप जिस चीज़ की भी विरासत रखते हैं, जो अमीर है वो पैसा देकर दान करता है, जो डॉक्टर है हो सकता है कोई मरीज ऐसे ले जिसका मुफ्त में इलाज करे, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देकर दान देता है, जिसके पास ध्यान है वो ध्यान सिखाकर दान करता है। पर हर कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपने आप में इतना सामर्थ्य रखता है कि दान निस्वार्थ रूप से कर पाए। और हमारी असुर प्रवृत्ति वो क्या है? हमारा तामसिक गुण। यह गुण जहाँ हम अपने फियर बेस्ड इमोशंस, जैसे कि निंदा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, हिंसा, इन सब प्रकार की आदतों में हम बंधे रहते हैं, तो वास्तव में अगर हम इन सब चीज़ों से, अपनी असुरी वृत्ति से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें दया करना सीखना होगा। क्योंकि क्रोध में क्या होता है? हम दूसरों को आवेश में आकर कुछ भी बोल देते हैं। पर दया हमें क्या सिखाती है? शांत रहना, मौन रहना, उतना ही बोलना जितनी आवश्यकता है, अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम जब हम अपनी वाणी पर भी विराम लगाते हैं।
और दया करना। दया यानी कि हर व्यक्ति को, हर जीव जंतु को अपने जैसा ही समझना, उनको एक समान रूप से लेना। तो दोस्तों, वास्तव में उन्नति का संबंध हमारी बाहरी उपलब्धियों से ना होकर हमारे भीतर के आचरण से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार का आचरण रखते हैं हम रोजमर्रा के जीवन में, यह तीनों संदेश जो हमें ब्रह्मा जी की तरफ से मिले, ये तीनों ही उस आचरण को अपने भीतर लाने का एक तरीका है। दमन यानी कि अपने आचरण से हम अपने आप की इंद्रियों को शांत करना सीखें, उनसे ऊपर होना सीखें। दूसरा यानी कि दान, दान करना सीखें, निस्वार्थ भाव से चलना सीखें, यह भी एक आचरण की एक अवस्था है। और तीसरा दया करना सीखें। अगर आपको लगता है आप असुरी वृत्ति प्रधान है तो शुरुआत कीजिए दया करने से। इस दया को करते करते एक समय आएगा जब आप मनुष्य वृत्ति प्रधान बन जाएंगे, यानी कि राजसिक गुण प्रधान बन जाएंगे। फिर उस समय में दान, जैसे जैसे दान करते जाएंगे हमारा और शुद्धिकरण होता जाएगा, फिर अंत में सुर प्रधान बनकर हम दमन का पालन कर सकते हैं, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि जिसने दमन करना, अपनी इंद्रियों का दमन करना सीख लिया, वो अपने परम स्वरूप से जुड़ जाएगा, उसका दर्शन अवश्य ही पाएगा। तो दोस्तों, जीवन में उन्नति करें, सब कुछ बाहर पाएं, जो चाहते हैं अपने लिए अर्जित करें, पर भीतर से इन तीनों आचरणों का भी पालन करें। क्योंकि जब हम इन आचरणों को अपने भीतर रखते हैं तो हम इन सत्व, रजस और तमस गुण से ऊपर उठकर निर्गुण बन जाते हैं। वो निर्गुण जिससे तीनों गुण निकले हैं, पर यह तीनों गुण उसका परिचय नहीं दे सकते। वही परिचय हमारा और आपका वास्तविक स्वरूप है। हरिओम तत्सत।